हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों फाइनली जाके मैंने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी है। दोस्तों वैसे मेरे को टाइम नहीं मिला था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने रक्षाबंधन देखा, उसके बाद फाइनली 4:30 बजे का शो लाल सिंह चड्ढा देखा मैंने। दोस्तों लाल सिंह चड्ढा देखने के बाद मैं एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों, आमिर खान फिर से एक बार बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गए रियली, क्योंकि उनकी मूवी पिछली बार जो आई थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं किया। लाल सिंह चड्ढा भी यही है कि 2-3 दिन मूवी चलने वाली है, उसके बाद ये सो जाएगी बॉक्स ऑफिस। अगर हम कहानी की बात करें तो फॉरेस्ट गम की ये रीमेक है दोस्तों, ऑफिशियल रीमेक हॉलीवुड की मूवी है। सेम टू सेम कॉपी की गई है, थोड़ा बोले तो 25% उन्होंने चेंजेस किया है। बट आमिर खान की काम की बात करें तो यार बंदे ने सुपर काम किया है। उनका जो काम है देख लो आप, मतलब कि जितनी फिल्में में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया ना, जैसे पीके, धूम 3, फिर आप एक और आया था उनकी मूवी 3 इडियट, सुपर उनका काम में नो डाउट, बंदे ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन स्टोरी नहीं सही है, मतलब कि फर्स्ट आप अगर देखोगे ना, मतलब कि ना बोरिंग महसूस होता है, लगता है नींद आ रहा है ऐसा। सॉन्ग्स तो है ही नहीं यार एक भी। चलो थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग होता तो थोड़ा सा फील होता अंदर से कि यार कुछ तो अच्छा चल रहा है, लेकिन वो फील दिलाता ही नहीं है। अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ जैसे ही स्टार्ट होती है मैं सोचा कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को नहीं मिला। नागा चैतन्या जो सुपर स्टार है हमारे साउथ के, उनका भी काम यार ओके ओके लगा मेरे को। बाकी करीना कपूर की बात करें तो यार करीना कपूर प्लीज़ आप इनको लिया ही क्यों होते, कोई काम ही नहीं उनका भी यार, सिर्फ रूपा रूपा अंडरबियर रूपा बनियान वही सब चल ही रहा यार। मतलब चड्ढा चड्ढा में चड्डी बेच रहे हो आप लोग यार, क्या कर रहे हो यार रियली बता रहा हूँ। अपना बोलते ना सर में दर्द ऐसा हो गया, 2 घंटे 45 मिनट जेल का आया हूँ भाई, जैसा लग रहा था ना कि मुझे कोई जेल में बंद कर दिया, ऐसा फील हो रहा था मेरा रियली। तो मज़ा नहीं आया दोस्तों। आमिर खान का काम बहुत अच्छा है, सॉन्ग्स अच्छे लगे मेरे को। बाकी सवाल रहा करीना कपूर ओके ओके देखिए, नागा चैतन्या ओके ओके, मिला जुला के वन वॉच टाइम है, एक बार आप देख सकते हो। वही क्लासिक ऑडियंस को ज़्यादातर ये मूवी पसंद आएगी, जैसे मास ऑडियंस जैसे कि एक्शन मूवी जो देखते हैं वो लोगों को शायद पसंद नहीं आ सके, जो मास ऑडियंस। और खासकर ये मल्टीप्लेक्स में मूवी देखी चलेगी, ये सिंगल स्क्रीन में मेरे को नहीं लगता कि मूवी चलने वाली है। सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस अलग होती है, उसको चाहिए मालूम कैसा, सलमान खान का वांटेड, वो बॉडीगार्ड, दबंग, वो लेवल की मूवी चाहिए। जैसे आमिर खान की गजनी ऐसी मूवी चाहिए हमारे मास ऑडियंस को। खैर जो भी हो दोस्तों, मूवी मेरे को ओके ओके लगी है। अगर हम सवाल करें रेटिंग की तो मैं इस मूवी को 2 स्टार देता हूं दोस्तों। 3 स्टार इसलिए काट रहा हूं कि मूवी बहुत छोटा भी कर सकते थे, 2 घंटे में ख़त्म कर सकते थे, और क्या बोलते हैं रिमेक जो था सेम टू सेम भी बना सकते थे, लेकिन आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे रीज़न है जो 3 स्टार कट किया हूं। तो बस भाई इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।